आप देखिए कि कब्रों की ज्यारत के हवाले से बार बार लोगों के जहन में आता, अच्छा हमारा कोई प्यारा चला गया, एक बार क्या एक बार हमें जाने की इजाजत है? तो उन्हें आम तौर पर यही हदीस सुनाई जाती है, लान अल्लाहु ज़व्वारातिल कुबूर, इसमें क्या शक है? अल्लाह के रसूल ने कब्रों की ज्यारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। लेकिन हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कब्रों की ज्यारत की इजाजत दे दी, लेकिन बाद में इस ज्यारत की इजाजत दे दी गई थी इस शर्त के साथ, कसरत के साथ ज्यारत न करें। और दूसरी बात ये कि जो ख्वातीन जाहिर है कि उनके जो हालात हो जाते हैं कब्रिस्तान में अपने अजीजों की कब्रों पे जाके, तो और फिर इसी तरह से जैसे ज़ईफुल एतकाद ज्यादा होती हैं ख्वातीन जिसकी वजह से रोका गया, और फिर हालात भी कब्रिस्तान के ऐसे होते हैं कि जादूगर शयातीन और जन्नात का बसेरा ज्यादा ऐसी जगहों पर होता है। तो बहरहाल इबरत की गर्ज से कभी कब्रिस्तान की ज्यारत हो सकती है। दूसरा नुक्ता है खास, वो ये कि आपने फरमाया तुम कब्रों की ज्यारत किया करो, ये मौत की याद दिलाती। इसका मतलब यह है कि कब्रों की ज्यारत करना ये इंसान को इस जहान से उठाकर दूसरे जहान से मुतालिक कर देता कि इंसान आगे जाने की सोचता रहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछी गई कि या रसूलुल्लाह ये बताइए कि अकलमंद कौन है? तो आपने फरमाया जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करके रखता है, यानी जिंदा लोगों में तो गिनती होती है आबादी के लिहाज से, लेकिन अकलमंद वो है जो अपने आप को इस जहान का नहीं दूसरे जहान का बाशिंदा समझता है।